210,000 हफ्ते का इनकम देख के पहले ही दिन से फुल टाइम से करियर करना। दोस्तों यही कल्याण में खुद के शोरूम्स चलाए। लाइफ के 17 साल ट्रेडिशनल बिजनेस में 3-3 शोरूम चलाए और शोरूम चलाने के बाद एक बात समझ में आई, वो धंधे में लाखों का इन्वेस्टमेंट है, हजारों में इनकम है, या ये धंधे में हजारों का खरीदी करना है और लाखों में इनकम मिल सकता है, तो डिसीजन लिया दोस्तों। दूसरा फायदा ये हुआ दोस्तों, वो शोरूम चलाता था तो 2-व्हीलर की बाइक पे चलता था। ये बिजनेस में आया, फर्स्ट कार लिया स्विफ्ट डिजायर कार, आज जो गाड़ी से चल रहा हूं नीचे कड़ा है स्कोडा का स्लाविया। 17 साल मैंने 3-3 शोरूम चलाए, मेरी लाइफ में कभी मैंने पासपोर्ट नहीं बनाया था और मेरे खानदान में किसी ने भी प्लेन का टायर नहीं देखा था, क्योंकि उड़ते प्लेन के टायर दिखते नहीं है और एयरपोर्ट पे जाने का टाइम नहीं है। सही बात है, ये बिजनेस में आया दोस्तों, सिस्टम से समझ के काम किया, ये बिजनेस की पावर है। मेरे पासपोर्ट पे 8 कंट्रीज के वीजा लग चुके हैं दोस्तों। अब ये सब जो मुझे मिला, रीजन क्या? मैंने लिया हुआ मेरा डिसीजन। दोस्तों यहाँ पे प्रभात सर ने, पहले तो प्रभात सर के लिए दिल से जोरदार तालियां दी, क्योंकि इतने सिंपल लैंग्वेज में जो बिजनेस बताया है दोस्तों, सिंपल सा काम करना है, खरीदी की दुकान को बदलना है। जो आज तक हमने खरीदा है, जो मार्केट से खरीद के हम कस्टमर बने थे, वही चीज अगर माई लाइफ से खरीद के हफ्ते का 2-10 का मौका मिलता है तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आज ही डिसीजन लो और शुरुआत करो। ये मौका जिन्होंने मुझे दिया, ऐसे मेरे ग्रेट गुरु सुधाकर त्रिभुवन सर, उनको तहे दिल से वंदन करता हूं। देखो जब बजाने का मौका मिले ना तो दिल से जोरदार हो। और ये बिजनेसमैन जिन्होंने लाखों करोड़ों की सोच दी, ऐसे हमारे ग्रेट गुरु डायमंड लीडर अपकमिंग रॉयल डायमंड मिस्टर सुनील साकवेकर सर को भी तहे दिल से वंदन करता हूँ। और ये बिजनेसमैन आज ऑल इंडिया में जिनका नाम है, ऐसे क्राउन डायमंड राजेश यादव सर को भी तहे दिल से वंदन करता हूँ। और मेरी एंटायर टीम जिनकी वजह से ये स्टेज मिला है, उनको भी दिल से थैंक्स बोलता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आप सभी दोस्तों के लिए फूल खिले गुलशन खिले खुल गए रास्ते, फूल खिले गुलशन खिले खुल गए रास्ते। और आगे कुछ कहने से पहले प्रमोद पाटिल की तरफ से, आपके दोस्त की तरफ से सलाम नमस्ते। दोस्तों हकीकत में माय लाइफस्टाइल एक चमत्कार है, क्योंकि दुनिया में 7 अजूबे हैं और 8वां अजूबा माय लाइफस्टाइल है। क्योंकि आम इंसान अपने जिंदगी में एक खास इंसान बन सकता है दोस्तों। और दोस्ती का अगर देखने जाओ तो आज मैं एक कॉलेज स्टूडेंट था और एक गरीब घर से बिलोंग करता था, लेकिन माय लाइफस्टाइल आपको इतने अच्छे अच्छे दोस्त देंगे ना तो आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि हमारे ग्रेट लीडर जिन्होंने प्लान दिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमेरिका में रहने वाले प्रभात सर के लिए एक बार जोरदार बोलिए। और माय लाइफ के वजह से मुझे उनसे दोस्ती करने का मौका मिला, वो इसे लाइफ में देखने जो पॉसिबल था क्या? हकीकत में ये बिजनेस में ना सच्ची दोस्ती क्या होती है ना पता चलता है, क्योंकि टीम बनता है ना तो दोस्तों से बनता है, ऐसा हो। तो दोस्तों मेरा परिचय रहना प्रमोद पाटिल और यहाँ से 4 किलोमीटर मेरा गाँव है सावन, वहां से बिलोंग करता हूँ दोस्तों। ये बिजनेस में जब मैं आया था तो एकदम गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। ये बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो बेसिक अमाउंट चाहिए वो भी मेरे पास नहीं था, तो मेरे वहाँ का मंगलसूत्र गिरवी रख के ये बिजनेस को उस टाइम मैंने एडजस्ट करके शुरुआत किया था। उसका नतीजा ये हुआ दोस्तों, आज मेरी माँ जो भी प्रोग्राम में जाते हैं ना, सबसे हाइएस्ट सोना अगर किसी लेडी के ऊपर होगा तो वो मेरी माँ के ऊपर होगा दोस्तों। पावर ऑफ माइलेज का दोस्तों, बोलते टाइम बदलता है, सबको लगता है ना अपना टाइम बदल नहीं, मैं तो टी शर्ट पे लिखा होता है अपना टाइम आएगा, कब आएगा? माय लाइफ स्टाइल में शायद जो पहली बार देख रहे हैं ना प्रोग्राम, उसके लिए आज आया है, आप भी आया है, आज शुरुआत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दो
बिजनेस की वजह से मेरा टाइम बंदी हुआ, क्योंकि उस वक्त पैसे का प्रॉब्लम था, सोना गिरवी रखना पड़ा था। लेकिन आज जो घड़ी में मैं टाइम देता हूँ, घड़ी सोने का, मतलब टाइम क्या हुआ, सोने का हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों ये पावर ऑफ माय लाइफ स्टाइल है। आज अगर आप शुरुआत कर दो तो शायद कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद आप इस स्टेज के ऊपर बोल सकते हो कि मेरा टाइम बदला। तो बोलना चाहते हो? सर ने बताया कि ये बिजनेस से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। फॉरेन टूर्स पा सकते हो, 2,10,000 तक जा सकते हो। कितने लोगों को लगता है कि आपको जाना चाहिए? तथा ऊपर वाला चाहता है, इसके लिए आज आप यहाँ पे बैठे हो। खाली आज आपको जानना जरूरी है, दिल से जानना जरूरी है दोस्तों। आज अगर चाहोगे तो आपका भी हो सकता है। ऐसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मुझे जिन्होंने लाया, ऐसे ग्रेट लीडर डायमंड एग्जीक्यूटिव मिस्टर बबलू पांडे सर को वंदन करना चाहूंगा। और दोस्तों शायद आप भी, प्रभात सर है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बोलते उनका ही एग्जाम्पल पकड़ता हूँ। और समझो मैं डॉक्टर हूँ और सर इंजीनियर है या एडवोकेट है, अगर मुझे, वो मेरे खास दोस्त है, हम दोनों से एक दूसरे से बहुत अच्छा प्यार करते हैं कि बहुत एकदम लगाव है एक दूसरे से, लेकिन वो इंजीनियर है या एडवोकेट है और मैं डॉक्टर हूँ, अगर हमें एक दूसरे का फायदा होना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? मैं डॉक्टर हूँ तो उनको बीमार पड़ना पड़ेगा, तभी वो मेरा फायदा ले सकते मेरे नॉलेज का, मेरा जो भी प्रोफेशन का। अगर वो एडवोकेट है और मुझे बेनिफिट लेना है तो क्या करना पड़ेगा? किधर तो झगड़ा करके कोर्ट में जाना पड़ेगा, तभी उनका फायदा हो सकता है। हेलो, मतलब असल जिंदगी में हम देखते हैं ना, तो वहां पे एक दूसरे का किसी को कुछ भी फायदा नहीं है, लेकिन उसी के बीच में वही जिंदगी में खाली एक माइंड लाइफस्टाइल का एंट्री होता है। हेलो, भले वो एडवोकेट ने डॉक्टर को प्लान दिखावे या डॉक्टर ने एडवोकेट को दिखावे, दोनों का एक दूसरे में फायदा है कि नहीं है? है कि नहीं दोस्तों? तो हकीकत में दोस्ती निभाने का ये मौका आपको आज मिला है। शुरुआत करो और 3 साल ये बिजनेस करोगे ना, तो मेरे ख्याल से आपके टीम में आपका दोस्ती इतना बढ़ेगा कि शायद आज से पहला कभी ऐसा दोस्त नहीं मिला होगा। ओके, तो पाना चाहते हो? तो लास्ट में एक बताऊंगा मैं, बहुत लोगों को लगता है, दोस्त के खातिर में आपको एक राय देना चाहूंगा। बहुत लोगों को लगता है कि सर सब ठीक है, लेकिन लोग कहाँ से लाएंगे? हेलो, कितने लोग आज ट्रेन से आए? अरे बहुत सारे लोग ट्रेन से आए। आपको पता है ट्रेन का हालत क्या था पहला? अभी खड़ा रहने को भी जगह नहीं मिलता, लेकिन उस एक जमाना था अंग्रेजों ने जब ट्रेन चालू किया था तब कोई ट्रेन में बैठता नहीं था। पहले मैंने सुना कि जानवर लोगों को बिठा के लेके जाते हो, क्योंकि मतलब गाड़ी तो दो बैल और एक गाड़ी होता है, मतलब दो चक्के वाला, ये लोहे का कौन सा गाड़ी है, ये तो भुतड़ती है। तो मतलब लोगों को समझ में नहीं आता था, क्योंकि कोई भी नई चीज है ना, समझ में नहीं आता। तो दोस्तों उस वक्त जानवरों को भरा, देखा कि कोई जानवर नहीं मरा, तो फिर उसके बाद में फिर भी लोग नहीं बैठ रहे, बोले ये जानवरों के लिए सही है, इंसान के लिए नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो गरीब लोग थे उनको समझाया कि देखो आपको खाने का भी लाले है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप इसमें बैठोगे ना तो आपको हम खाना भी देंगे और ऊपर से 1 रुपया, उस जमाने में 1,000 रुपया होता था उसका, तो बोले वो देंगे। तो सब लोग ऐसे ही मरने से अच्छा ट्रेन में बैठ के मरे। तो दोस्तों लोग फिर वो गरीब लोगों को बिठा के उन्होंने दिखाया कि देखो ठाणे से मुंबई कोई नहीं मर रहा है, हेलो, इससे भी जहाँ जा सकता है, इससे भी सफर कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद में उन्होंने धीरे धीरे पैसा बंद किया, खाना रखा, फिर भीड़ बढ़ते गया तो खाना भी बंद किया और फ्री में किया। क्या किया? फ्री में। आज भी आप देखोगे ना, बहुत मतलब एकदम दुर्मिल भाग से कोई लोग होंगे तो उनका किसी ये नहीं पूछता, मतलब टिकट नहीं पूछता, क्योंकि उनकी देन है कि आज इतना भीड़ है। हेलो, समझ में आ रहा दोस्तों? ट्रेन का हालत पहला क्या था, लेकिन आज क्या है, खड़ा रहने की भी जगह। आज नेटवर्क इंडस्ट्री माय लाइफस्टाइल, आज शायद आपके लिए वो टाइम होगा ट्रेन का शुरुआत वाला, लेकिन आपके लिए 3 साल के बाद आज वाला टाइम चालू होगा दोस्तों। और अभी जल्दी 15 अगस्त आ रहा है, कुछ लोगों को फिर भी नहीं समझ में आया होगा, तो मैं वो एक बच्चे का एग्जाम्पल दूंगा दोस्तों। एक बच्चा था जो पिता को डिस्टर्ब कर रहा था काम में,
घर पे अभी ऑफिस का काम भी घर पे लाके करना पड़ता है कुछ लोगों को, इतना ऑफिस का काम बढ़ चुका है। नहीं तो फिर ऑफिस में बैठो देर तक, तो वो बोलते मैं घर पे लेके जाता हूँ। तो फिर घर पे वो पिताजी लेके आया था ऑफिस का वर्क, तो क्या हुआ वो बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है कि पिताजी पिताजी आप खेलने चलते मेरे साथ खेलो। तो पिताजी बोलते रुको बेटा एक घंटा रुको आप, मैं खेलने आता हूँ। लेकिन बच्चा एक चीज छोड़ता नहीं। तो फिर बच्चे ने बहुत जिद पकड़ी, तो बाप ने क्या आइडिया लगाई कि बाबा इसको कुछ तो एक घंटे वाला काम देना पड़ेगा तो ये चुप बैठेगा। तो उसके बाजू में ना एक इंडिया का मैप था, तो उन्होंने क्या किया उसको अलग अलग टुकड़ा करके उसके हाथ में दे दिया, बोले इंडिया के मैप को तू जोड़ के आ तो मैं तेरे साथ खेलने आऊंगा। बच्चा इतना समझदार नहीं था कि वो फास्ट जोड़े, उसको तकरीबन एक आध घंटा लगने वाला था। तो दोनों का काम हो गया, पिताजी ने देखे उसको बोला कि तू जा बाद में आ ये जोड़ के लेके। जैसे बच्चा बाहर गया दो तीन चार मिनट के अंदर ही वापिस आया, बोले पिताजी चलो खेलने चलते। बोले मैंने क्या बोला था कि ये नक्काशे जोड़ के आएगा तो मैं तेरे साथ खेलने जाऊंगा। तो बोले यस मैंने जोड़ लिया पकड़ो। और पिताजी बोलते इतना छोटा बच्चा इतना बड़ा इंडिया को कैसे मतलब मैं आपको जोड़ सकते, तो सही जोड़ा कि नहीं जोड़ा ये देखा। तो देखा मैं एकदम करेक्ट है, जिधर कश्मीर है जिधर कन्याकुमारी है वो सब जगह पे सब ठीक है। तो फिर पिताजी टेंशन में आए इतना होशियारी कैसे आए इसको। तो उसने बच्चों को पूछा कि किसी ने जोड़ के दिया गया नहीं, बोले किसने जोड़ा मैंने जोड़ा। तो उसको उसने पूछा कैसे जोड़ा, तो पिताजी सिंपल है आप जब नकाशा वो फाड़ रहे थे ना तो मैं देख रहा था उसके पीछे इंसान का तस्वीर था, मैंने इंसान को जोड़ा इंडिया ऑटोमेटिक जुड़ गया। दोस्तों आज ये इसमें सही है परफेक्ट है, इंसान को जोड़ो लोग मिलेंगे। जब भी शंका है तो ट्रेन की तरफ देख लेना। विश्व ऑल द बेस्ट। जय जय लक्ष्मी। जय जय लक्ष्मी।